अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बताने जा रही हूँ आपको चिकन पोटैटो कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इनको चिकन पोटैटो कबाब भी कहा जा सकता है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इनको आप चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप सर्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, आप देख सकते हैं इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कट करा के रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इसको मैंने वॉश करके रखा है। हरा धनिया लिया है, इसको मैं कट कर लूँगी। तीन हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़े साइज़ की अनियन ली है, इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अनियन को फाइनली चॉप कर लेंगे। आलू को हम चिकन के साथ में बॉईल करेंगे और स्किन के साथ ही बॉईल करेंगे, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। खड़े गर्म मसाले लिए हैं, जावित्री, जायफल, दालचीनी, बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची। ये हम कटलेट को बॉईल करने में, जब हम चिकन को और आलू को बॉईल करेंगे, ये उस वक्त डालेंगे। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून फुल भरकर कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 से 4 हमने बेलीव ली हुई हैं, 1 टीस्पून हमने भुना और कुटा हुआ जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भरकर लिया है। इसके अलावा हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ज़रूरत के मुताबिक ले लेंगे। तो आइए अपने चिकन और पोटैटो को हम बॉईल कर लेते हैं सारे मसालों के साथ में। आलू को हमने इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और नीचे लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे चिकन, चिकन के भी हमारे बड़े बड़े पीसेस ही हैं तो इसलिए हम चिकन लगा देंगे। अब इस पे सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, खड़े मसाले डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, तेज़पात के पत्ते डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 कप फुल भरकर पानी, ताकि ये आलू और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसमें 2 सीटियाँ लगा लेंगे, हाई फ्लेम पर 2 सीटियाँ लगा लेंगे ताकि आलू भी हमारे टेंडर हो जाएं और चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए। आलू पोटैटो में हमारे 2 सीटियाँ आ चुकी थी और इसमें थोड़ा सा पानी था, उसको मैंने खुश्क कर लिया है। और इस तरीके से अब आलू के जो छिलके हैं वो हम हटा देंगे और चिकन को हम इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लेंगे ताकि ये शेरेड हो जाए। तो ये हम करके आपको दिखाते हैं। आलू और चिकन को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, चिकन को हमने शेरेड कर लिया है इस तरीके से और थोड़ा सा मैंने मिक्सी में चला लिया ताकि ये इस तरीके से बारीक हो जाए। और आलू का छिलका हटाकर हमने मैश कर लिया है और इसमें से सारा जो कुकर के अंदर हमारा मसाला था वो हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये मेजरमेंट का मसाला था और इसके साथ ही हमने ये जो खड़े मसाले डाले थे वो हमने अलग कर लिए हैं। तो आलू और चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और इसमें ही ऐड कर लेंगे हम ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ साथ ऐड कर लेंगे अनियन जो हमने फाइन चॉप कर ली है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा भी मैं थोड़ी देर के बाद में मिलाऊंगी, पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप यहाँ पर सॉल्ट चेक कर सकते हो, अगर आपके मुताबिक ना हो तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है इस वक्त। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं इसे थोड़े ज़्यादा तादाद में बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ घर के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मिक्सचर को, तो अब हम इसको कटलेट की शक्ल में बना सकते हैं, यानी कि ओवल भी बना सकते हैं। सारे मिक्सचर को हमने तैयार कर लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इतना बड़ा और इसको हम कबाब की तरह बना लेंगे गोल। मैं 2 तरीके के बनाती हूँ, गोल भी और ओवल शेप में भी बनाती हूँ। तो इस वक्त मैंने गोल बनाया है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में मैं एक ओवल भी बनाकर दिखा देती हूँ, इतना ही बड़ा हमें पोर्शन लेना है। हमारे हाथ थोड़े से, इसमें हम थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं और पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने ओवल शेप में बना लिया है और इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे गोल भी और ओवल शेप में भी। तो पहले हम बनाकर तैयार करेंगे, उसके बाद में फ्राई करना शुरू करेंगे। कटलेट हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे, जितने में हमारा ये जो कटलेट है ये आराम से डिप हो जाए। तो इतना पानी काफ़ी है,
आप इसकी जगह अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ अंडे में डिप किए हुए कटलेट बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए कॉर्नफ्लोर के पेस्ट में ही मैं डिप करती हूँ। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसको हम इस तरीके से डिप कर लेंगे और उसके बाद में हम ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे। ये देखें, और इसके हाथ के हाथ ही मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे जितने कटलेट मैंने बनाकर तैयार किए हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है हमारे कटलेट को पैन के अंदर डाले हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से हम आहिस्ता से फ्लिप कर देंगे सारे कटलेट को। ये देखें, और इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। कटलेट का हमारा बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो इसको अब हम बाहर निकाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब कर ले पेपर टॉवल। देखिए कितने प्यारे से कलर आए हैं हमारे कटलेट का। हमारे दूसरे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं, और इस तरीके से जो हमारे बच गए हैं और ज़िपलॉक बैग में करने के बाद में हम इसको फ्रीजर में रख देंगे, और ये 1 हफ्ते से 1 महीने तक भी बड़े ही आसानी से फ्रीजर में से निकाल कर आप थोड़ी देर पहले रख दीजिए और इसको फिर फ्राई कर लीजिए। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है और ये बिल्कुल वैसे ही क्रंची बनेंगे जैसे कि हमारे फ्रेश बने हुए होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और जो कटलेट हमारे बन चुके हैं उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन पोटैटो कटलेट बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना आसान है, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप ब्रेड के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। आप शाम के नाश्ते के साथ में इसको सर्व कीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए उठाकर। ये चिकन पोटैटो कटलेट बनकर तैयार हैं। आपने देखा इसको बनाना ईजी है और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। किसी भी टाइम पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आपके घर अगर मेहमान आए तो आप इसको अब फ्रीजर में से निकालें और फ्राई करके आप उनके साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।